मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है कलेक्टर और एसपी, कहाँ है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा सर्किट हाउस में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आक्रोश दिखाया। उनके आदेश के 24 घंटे के भीतर आरोपी महंत सीताराम दास के मकान को ढहा दिया गया। गुरुवार को कलेक्टर मनोज पुष्प और एसएसपी नवनीत भसीन बुलडोजर लेकर पहुंचे, जहां बाबा के मकान को ढहा दिया गया है। प्रशासन कार्रवाई के दौरान 500 मीटर में जैमर लगाया गया था, ताकि किसी को कोने कोने तक खबर न लग सके। बता दें कि सर्किट हाउस में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर बुधवार को रीवा प्रवास के दौरान सीएम ने आक्रोश दिखाया। उन्होंने कहा था कि बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो उसे कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कहाँ है कलेक्टर और एसपी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमींदोज, तोड़ दो गुंडों को, बदमाशों को, जो बहन और बेटियों पर गलत नजर उठाकर देखते हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो उसे कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहाँ है कलेक्टर और एसपी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमींदोज, तोड़ दो गुंडों को, बदमाशों को, जो बहन और बेटियों पर गलत नजर उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ भी कलेक्टर है, एसपी है। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है, और वो घटना भी यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को, जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। सीएम पीटीएस मैदान में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं किसी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले अपराधियों के घर जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे, उनको मध्य प्रदेश की धरती पर चैन से नहीं रहने दूंगा। आपको बता दें, रीवा में महंत सीताराम दास पर 16 साल की नाबालिग से रेप का आरोप है। ये वारदात शहर के सबसे पॉश इलाके राजनिवास सर्किट हाउस में हुई। 28 मार्च की शाम आरोपी एनेक्सी भवन रूम नंबर 4 में ठहरा हुआ था। इस दौरान महंत की जान पहचान का हिस्ट्री सीट लड़की को वहां लेकर गया था। किशोरी को यह कहा गया था कि महंत उसके बिगड़े काम बना देगा। सीताराम दास श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य राम विलास वेदांती का शिष्य है और उनके बड़े भाई का नाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।